अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। नैनों के काजल से, पाओ के पायल से, जुल्फों के आंचल से पूछो, अपनी अदाओं से, इन गोरी बाहों से, तिरछी निगाहों से पूछो, क्या मुझे हर जन्म में मिला साथ तेरा, बीते हैं कितने जमाने। दोस्तों, आज जिस मशहूर हस्ती की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि जर्रा आफ्ताब कैसे बन जाता है। वो कहते थे कि मैंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था छोटी मोटी स्टंट फिल्मों से, और उस वक्त मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और टॉप मोस्ट हीरो बन जाऊंगा। और वो थे बहुत ही हैंडसम और स्टाइलिश हीरो फिरोज खान। जीना है तो प्यारे को लड़ना जिंदगी से, आधी हो या तूफान ना दबना तू किसी से, जग में तू आगे ही बढ़ना। 25 सितंबर 1939 में पैदा हुए थे फिरोज खान बेंगलोर में। उनका असली और पूरा नाम था जुल्फिकार अली खान। उनके वालिद का नाम था, उनके पिता का नाम था सादिक अली खान और माँ का नाम था फातिमा। फिरोज खान के 4 छोटे भाई भी हैं और उनमें से 2 भाई फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं। एक हैं संजय खान और उनका असली नाम है अब्बास खान। दूसरे भाई हैं, उनका नाम है अकबर खान और वो भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो थे। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि फिरोज खान की 2 बहनें भी हैं, खुर्शीद और दिलशाद। फिरोज खान कई भाषाएं बहुत अच्छी बोलते थे, ख़ास तौर पे पश्तो, क्योंकि उनके वालिद अफगानिस्तान के पठान थे। पश्तो के अलावा फिरोज खान फारसी भी बहुत अच्छी बोलते थे, यानी पर्शियन, और इसकी वजह ये थी कि उनकी माँ ईरानी थी। फिरोज खान बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत नौजवान थे और वो हीरो बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पहले कंप्लीट की बेंगलोर में और उसके बाद वो मुंबई आ गए और हीरो बनने के लिए स्ट्रगल करने लगे। जागे है अरमां मेरे मुखड़े पे केसू तेरे, दिन है के रात, बोलो कुछ तो कहो, बोलो ना बोलो हमसे, कहेंगे ये तुमसे, तुम्हारी ये जवानी सलामत रहे। फिरोज खान ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था 1960 में और कई छोटी मोटी स्टंट फिल्मों में काम किया, लेकिन बहसियत हीरो उनकी पहली फिल्म का नाम था रिपोर्टर राजू, जो आई थी 1962 में, और उनके साथ हीरोइन थी चित्रा। अरे अक्कल से काम लो, जरा आराम लो, नाजुक हो थक जाओगे, नाजुक हो थक जाओगे, तुम हमें नादान कहो चाहे बेईमान कहो, कुछ तो मेरी जान कहो, ऐसा भी क्या। रिपोर्टर राजू भी एक छोटी सी फिल्म थी, लेकिन फिर भी फिरोज खान बहुत खुश थे क्योंकि उसमें, उस फिल्म में उन्होंने टाइटल रोल किया था। रिपोर्टर राजू के बाद भी फिरोज खान ने कई फिल्में साइन कर ली, लेकिन बी और सी ग्रेड फिल्में, और उनमें से एक फिल्म थी एक सपेरा एक लुटेरा, और फिरोज खान के साथ हीरोइन थी कुमकुम और मुमताज। 1962 में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर रूप किशोरी एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था मैं शादी करने चला, और वो 5 बहनों की कहानी थी, और वो 5 बहनें थीं सईदा खान, मलका, मुमताज, मैं और परवीन चौधरी, और उन 5ों के साथ 5 लड़के भी थे। उनमें से एक थे फिरोज खान। वो मेरे पास आए और कहने लगे, तबस्सुम तुम तो फिल्म लाइन में बहुत पुरानी हो और शोरी साहब को बहुत अच्छी तरह जानती हो, पहले भी उनके साथ फिल्म में काम कर चुकी हो, तुम उनसे कहो ना कि वो मेरा पैर तुम्हारे साथ बनाए। मैंने कहा, नहीं फिरोज भाई,
ये अच्छा नहीं लगेगा किसी आर्टिस्ट का डायरेक्टर से ऐसी डिमांड करना, तो बहुत नाराज़ हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी किसी फिल्म में नहीं लिया। फिरोज खान कहते थे कि 1967 मेरे लिए बहुत मुबारक साल था, क्योंकि उसी साल नरगिस जी ने मुझे साइन किया अपनी फिल्म के लिए, और उस फिल्म का नाम था रात और दिन। और उस फिल्म में नरगिस जी के साथ दो हीरो थे, प्रदीप कुमार और मैं। लेकिन अफसोस कि नरगिस जी की वो आखिरी फिल्म थी, उसके बाद उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया। मुड़कर नहीं देखते हम, दिल ने कहा है चला चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। फिरोज खान तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। 1971 में वो प्रोड्यूसर भी बन गए और डायरेक्टर भी, और उनकी पहली फिल्म का नाम था अपराध, और उनके साथ हीरोइन थी मुमताज। वो फूल है तू जिस पे बहारे निसार, क्या चाहिए उसे जिसे मिल गया हो तेरा प्यार। अपराध सुपरहिट हो गई, और उसके बाद भी एक और फिल्म सुपरहिट बनाई फिरोज खान ने 1975 में, और उस फिल्म का नाम था धर्मात्मा, और उसमें फिरोज खान के साथ दो हीरोइंस थी, टॉप मोस्ट हीरोइंस, रेखा और हेमा मालिनी। किसको कहा तुमने अपना बन के रहे, किसका सपना, सपने तो सपने हैं आखिर, सपने तो सपने हैं आखिर, किसने इन्हें साकार किया है। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि वो पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जिसकी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। क्या दिल में है और तमन्ना है, तमन्ना हर जीवन में मेरी दीवाना, फिर से कहो कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। 1965 में फिरोज खान ने शादी कर ली, लव मैरिज। उनकी बीवी का नाम था सुंदरी और वो एयर होस्टेस थी। वो पहले से शादीशुदा थी और उनकी एक बेटी भी थी। फिरोज खान और सुंदरी के भी दो बच्चे हैं, एक बेटी लैला और बेटा फरदीन खान। फरदीन खान भी हीरो है, और उसे हीरो बनाने के लिए फिरोज खान ने दो फिल्में बनाई थी, प्रेमगन और जानशीन। लेकिन अफसोस कि वो दोनों फिल्में चली नहीं। सबा सबा करीम शाह कहते हैं हमको। लकी, इसे मैं इत्तफाक समझूं या अपनी खुशनसीबी कि आप मेरी जान बचाने के लिए यहां मौजूद हैं। हम उस रेस में भी मौजूद था जो तुमने जीता था। दोस्तों बड़े अफसोस की बात है कि शादी के 20 साल बाद यानी 1985 में फिरोज खान का अपनी बीवी सुंदरी के साथ डाइवोर्स हो गया, और इसकी वजह यह थी कि फिरोज खान की जिंदगी में एक और एयर होस्टेस आ गई थी, और उसका नाम था ज्योतिका धनराज कीर। ज्यादातर लोग जानते हैं कि फिरोज खान और मुमताज दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन शादी हो नहीं सकी। होली सी आती हो नजर, हो चंचल चालाक मगर, औरत का दिल जाने नहीं, आप हमें पहचाने नहीं, छोड़ो छोड़ो हम भी सयाने हैं। फिर भी वो बहुत ज्यादा खुश हैं, और इसकी वजह ये है कि वो अब दोनों समधी बन गए हैं, क्योंकि फिरोज खान के बेटे फरदीन खान ने मुमताज की बेटी नताशा के साथ शादी कर ली है। फिरोज खान को रेस खेलने का बहुत शौक था, और उनके पास हर नस्ल के महंगे महंगे घोड़े थे, और ये सारा एस्टेब्लिशमेंट बेंगलोर में था। बेंगलोर में फिरोज खान का बहुत ही हसीन, बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस है, और इसीलिए वो अपनी ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग वहीं करते थे। फिरोज खान की बड़ी गहरी दोस्ती थी विनोद खन्ना के साथ,
और इसीलिए फिरोज खान ने अपनी ज़्यादातर फिल्मों में विनोद खन्ना को लिया। विनोद खन्ना कहते थे कि मैंने बेशुमार फिल्मों में हर तरह के रोल निभाए हैं, लेकिन मेरे दोस्त फिरोज खान ने अपनी फिल्मों में जो रोल मुझे दिए वो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, खास तौर पे दयावान में। फिरोज खान और विनोद खन्ना की वाकई बड़ी गहरी दोस्ती थी। फिरोज खान सन 2009 में ये दुनिया छोड़ के चले गए, उन्हें कैंसर हो गया था, और विनोद खन्ना भी सन 2017 में ये दुनिया छोड़ के चले गए और उन्हें भी कैंसर हो गया था। और हैरत की बात तो ये है दोस्तों कि दोनों की डेथ की डेट भी एक ही थी, 27 अप्रैल। फिरोज खान अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करते थे और कहते थे कि मैं जो कुछ भी हूँ, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है सिर्फ अपनी माँ की दुआओं की बदौलत। और इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये वसीयत कर दी थी कि मैं जब मर जाऊँ तो मुझे बेंगलोर में दफनाया जाए, मेरी माँ की कब्र के बाजू में। और दोस्तों ऐसा ही किया गया। तो ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।